वेलकम है आप सभी का इस महामैराथन क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने 22 वीडियो को कवर किया है, आज ये हम लोग का 23वें नंबर का वीडियो है। आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ कि मेरी आपको आवाज़ सुनाई देगी और क्वेश्चन दिखाई देगा। तो कैसा लगेगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं स्क्रीन पर ना होकर केवल आपके सामने क्वेश्चन रख पा रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा आज हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है ना, हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, बस हमें इसी से मतलब है, कोई स्क्रीन पे रहे या ना रहे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? ए एजुराइट, बी पाइराइट, सी हेमेटाइट, डी हैलाइड। करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर किया हुआ डी ऑप्शन, ठीक है, हैलाइड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, नमक जो है हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, आइए लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी मोरारजी देसाई, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी आई के गुजराल। तो करिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा आंसर जिन लोगों ने ए ऑप्शन करेक्ट किया, ठीक है, नरेंद्र मोदी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, और इस नीति आयोग का फुल फॉर्म भी रखा गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। आइए लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है? ए भारत की, बी जापान की, सी चाइना की, डी यूएसए की। करिएगा इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है अमेरिका, मतलब कि डी ऑप्शन, ठीक है, यूएसए, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया है। आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन, यूएसए। ठीक है, तो अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चर्चित पत्रिका चार्ली एब्दो, ठीक है, एब्दो प्रकाशित होती है? ए जर्मनी से, बी डेनमार्क से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी फ्रांस से। करिएगा इस चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस चौथे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया, ठीक है, फ्रांस से, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपने पता होगा कि ये एक व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग्य चित्रों का रिपोर्ट करती है, धार्मिक विवादों को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है हमेशा। रीज़न आपको पता होगा कि किसी इस पत्रिका में किसी ने मोहम्मद साहब को एक विवादास्पद व्यंग्यात्मक चित्र में दिखाया था, तो कुछ आतंकवादी घटना हुई थी, ठीक है, तो ये पत्रिका बहुत चर्चा में आई थी। तो याद रखिए ये फ्रांस की है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन लेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपके पास है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणुओं को नष्ट करना, सी रक्त अल्पता को रोकना, डी लोह को उपयोगी बनाना। करिएगा इस पाँच नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस पाँच नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस पांच नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ है ए ऑप्शन, ठीक है,
ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। CNG है ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी साइनोजन नेचुरल गैस, सी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, डी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। करिएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन रखा हुआ है, ऑप्शन जितने लोगों ने रखा हुआ ए, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है ए सल्फोनिक अम्ल, बी सल्फेनिक अम्ल, सी एमिनो अम्ल, डी कार्बोलिक अम्ल। करिएगा इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है बी, ठीक है, सल्फेनिक अम्ल, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। जानते हैं प्याज के उतकों को काटने, छिलने या पीसने पर निकलने वाले एंजाइम्स को एलिनस कहलाता है, ठीक है, एलिनस उसका एंजाइम कहलाता है। और ये जो परिवर्तित होता है वो सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित होता है, ठीक है, सल्फेनिक अम्ल। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, ए खासुल खान, बी एशुगई, सी तेमुचिन, डी ओगदी। करिएगा इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन रखा है सी तेमुचिन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। इनका जन्म 1162 में हुआ था, ठीक है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और महान खान भी इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था, ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी आरसी दत्त ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी गोखले ने। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया सी दादा भाई नौरोजी, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप दोनों का आंसर रखिएगा, ये जो कथन इनका है ये भी याद रखिए और ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें बोला जाता है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। फेरोमोन्स, ठीक है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है ए सांपों द्वारा, बी पक्षियों द्वारा, सी चमगादड़ों द्वारा, डी कीटों द्वारा। करिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है कीटों द्वारा, ठीक है, डी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन।
केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? ए स्नूकर, बी गोल्फ, सी हॉकी, डी टेनिस। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, ठीक है, स्नूकर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है, ठीक है। ए अमावस्या को, बी पूर्णिमा को, सी सप्तमी को, डी अष्टमी को। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इस 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो करिएगा सारे लोग, इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन बी लगा दिया, ठीक है, पूर्णिमा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? ए शिक्षा से, बी राजनीति से, सी गायन से, डी चिकित्सा से। करिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया, ठीक है, गायन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है बी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? ए चाय, बी कॉफ़ी, सी तंबाकू, डी कोक। करिएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया, तंबाकू, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी सामान्य रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। करिएगा इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया, ठीक है, घटेगा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। करिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन डी दे दिया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ठीक है। ए दादा भाई नौरोजी, बी ए ओ हूम, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। करिएगा इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, दीजिएगा इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, ए ओ हूम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे है 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए लोहे का चूर्ण, बी निकेल, सी तांबा, डी आयोडीन। करिएगा इस
19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है लोहे का चूर्ण, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, कंप्यूटर का आईसी चिप, ठीक है, किसका बना होता है? ए नाइक्रोम का, बी चांदी का, सी सिलिकॉन का, डी सोने का। दीजिएगा इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर दे दिया है सी सिलिकॉन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ए लिम्नोलॉजी, बी हर्पिटोलॉजी, सी मेलाकोलॉजी, डी और निथोलॉजी। करिएगा इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दे दिया है डी और निथोलॉजी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ए अम्ल वर्षा, बी विश्वव्यापी तापन, सी रेडियोधर्मिता, डी जीवाणुविक क्रिया। करिएगा इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाए जा रहे हैं। आप इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दे दिया ए अम्ल वर्षा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है कि अम्ल वर्षा के फलस्वरूप क्या होता है? नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड अम्ल वर्षा बनाते हैं, ठीक है, जो पत्थरों पर वर्षा के साथ आते हैं और पत्थर की सतह को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एलोसोम होते हैं ए कोशिकांग, बी पादप हार्मोन्स, सी एलील, डी लिंग गुणसूत्र। करिएगा इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी अच्छा है ना, ऐसे बैकग्राउंड में रह के भी ये काम किया जा सकता है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने कम टाइम में। ठीक है, तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दे दिया है डी लिंग गुणसूत्र, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी मतलब कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? ए कुत्ता, बी खरगोश, सी बिल्ली, डी भेड़। करिएगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दे दिया है डी भेड़, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो डॉली है क्लोनित मेरिनो मेमना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पीत ज्वार संचारित किया जाता है ए एडीज द्वारा, बी एनाफिलीज द्वारा, सी घरेलू मक्खी द्वारा, डी क्यूलेक्स द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है ए एडीज द्वारा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है कि पीत ज्वार एक वायरस का संक्रमण है, ठीक है, और इसे एडीज मच्छर द्वारा ही फैलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें जानते हैं, एक चीज़ जानिए कि तेज बुखार आता है और यकृत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ये, ठीक है, पीत ज्वर। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, शहद की मक्खी
का विष कैसा होता है, ठीक है। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी नमकीन, डी प्रोटीन। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। दीजिएगा इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है ए अम्लीय, वे सारे लोग एकदम सही हैं। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें जो अत्यधिक अम्लीय है पेप्टाइड मेलिटिन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? पेप्टाइड मेलिटिन, ठीक है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखें। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? ए न्यूक्लियस, बी लाइसोसोम, सी क्रोमोसोम, डी माइटोकांड्रिया। करिएगा इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का, जितने लोगों ने ऑप्शन दे दिया है डी माइटोकांड्रिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल या फिर ऊर्जा केंद्र बोलिए, शक्ति ग्रह बोलिए, सारा लाइन इसके लिए सही है। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है ए कैल्शियम, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी सल्फर। दीजिएगा इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का, जितने लोगों ने, ठीक है, ऑप्शन दिया है बी नाइट्रोजन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। यही मात्रा सबसे अपेक्षित तत्व होता है सबसे अधिक मात्रा में, क्योंकि इसका जो प्रतिशत है 1.5% है, ठीक है। और सबसे कम जो है वो है सल्फर, ठीक है, 0.1%। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ए बाह दल को, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का, जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया, ठीक है, पुंकेसर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। पुष्प का जो पुरुष वाला हिस्सा होता है उसे पुंकेसर बोलते हैं, और स्त्री का जो हिस्सा रहता है वो स्त्री केसर, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। केल्प क्या होता है? ए लोहे का सल्फाइड खनिज, बी असत अपघटित वेजिटेशन, सी समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, डी एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज। दीजिएगा इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद चलेंगे हम लोग करंट अफेयर की तरफ। इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ है सी समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आप लोग करंट अफेयर की सीरीज पे, ठीक है। देखते हैं करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए अब चलते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? ए दूसरा, बी चौथा, सी पाँचवा, डी आठवा। करिएगा इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का, जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, चौथा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इससे पहले तीन देशों ने किया है, अमेरिका, रूस और चाइना, ठीक है। और चौथा देश कौन सा बना है? भारत बना है। चलिए आइए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं? ए मिचेल जॉनसन, बी मैथ्यू हेडन, सी माइकल क्लार्क, डी रिकी पॉन्टिंग। करिएगा इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 32 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन रखा, ठीक है, मैथ्यू हेडन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। करिएगा इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 33 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी लगाया, ठीक है, आंध्र प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, लगातार तीसरी बार आंध्र प्रदेश इस नंबर वन पे काबिज रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और जानिए कि ये जो रिपोर्ट मिला है, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, ये इसका चौथा संस्करण था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए किस टेलीकॉम कंपनी ने, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक, चलिए किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर VI किया है? ठीक है, ए जियो, बी वोडाफोन आइडिया, सी एयरटेल, डी BSNL। तो करिएगा इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन बी रखा है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 2018 में वोडाफोन और आइडिया दोनों का विलय हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग नाम से चल रही थी, अब लेकिन इनका अलग नाम धर दिया गया VI। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 2021 की पहली तिमाही, मतलब 2020-21 की पहली तिमाही जो अप्रैल जून में, भारत की विकास दर है ए -23.9%, बी -25.6%, सी -26.8% और डी ऑप्शन -29.1%। करिएगा इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन को, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, -23.9%। ठीक है, NSO ने जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? ए नेपाल, बी रूस, सी भारत, डी जापान। करिएगा इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, दीजिएगा आंसर। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया, ठीक है, भारत, वे सारे लोग एकदम सही हैं। खेल मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने बोला है कि अगली बार का जो ये सत्र है वो भारत में होगा। ठीक है, ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हुआ है। आपको पता है कि ब्रिक्स देश में कौन कौन सा है? ब्राज़ील है, ठीक है, उसके बाद रूस है, आपका इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, कौन सा आंसर इसका आपको बताया गया है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन 37। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया? ए अनुपम लाल दास, बी प्रशांत भूषण, सी गौरव भाटिया, डी इंदिरा जयसिंह। करिएगा इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन रखा है बी प्रशांत भूषण, वे सारे लोग एकदम सही हैं। अभी हाल ही में ये और इनके सदस्य दोनों लोगों को, मतलब कि बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 39 आ गया, पहले 38 नंबर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? ए पाकिस्तान, बी जापान, सी रूस, डी इजराइल। करिएगा इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। दीजिएगा इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 38 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया, ठीक है, इजराइल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? ए अमृत योजना, बी उज्ज्वला योजना, सी जनधन योजना, डी स्वदेश दर्शन योजना। दीजिएगा इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, अमृत योजना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। और ओडिशा राज्य को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है, ठीक है, उड़ीसा राज्य को इसमें प्रथम स्थान। आइए बढ़ते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? ए प्रोजेक्ट चीता, बी प्रोजेक्ट लायन, सी प्रोजेक्ट अमन, डी प्रोजेक्ट सूर्या। करिएगा इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। दीजिएगा इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 40 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। करिएगा इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 41 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया डी अरुणाचल प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। साथ ही साथ ये भी जानते चलिए कि भारत जो है दुनिया में रेशम का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है रेशम का, ठीक है, भारत। लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? ए बिहार, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। दीजिएगा इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 42 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा है आंध्र प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। इस नीति के उद्देश्य ये हैं कि युवाओं के रोजगार का सृजन होगा इससे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, बी हीराकुंड बांध परियोजना, सी पोचाम उत्पाद परियोजना और डी माल प्रभा परियोजना। करिएगा इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 43 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ऐसा भारत सरकार का मानना है कि वहां से रोजगार बहुत सृजन होगा इस परियोजना के साथ में, अच्छी बात है। आइए लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? ठीक है, ए बिहार, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। दीजिएगा इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग।
इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 44 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया छत्तीसगढ़, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किन शहरों में किया है, या किस शहर में किया है? ए जयपुर, बी कानपुर, सी दिल्ली, डी पटना। करिएगा इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा है, ठीक है, दिल्ली, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, ठीक है, के रूप में किसे शपथ दिलाई अभी अभी, ठीक है? ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी मनोज सिन्हा, सी सत्यपाल मलिक, डी मनोज तिवारी। दीजिएगा इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये नया क्वेश्चन, इसके पद को चेंज किया गया, बदला गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसको याद भी करिएगा। तो इस 46 नंबर क्वेश्चन का जिन साथियों ने आंसर दिया हुआ है ए ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, वे सारे लोग एकदम सही हैं। करेक्ट आंसर इज ए। जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। 47 नंबर क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ए प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, बी प्रोफेसर राहुल त्यागी, सी प्रोफेसर विक्रम सचदेवा, डी प्रोफेसर अरुण अग्रवाल। दीजिएगा इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इससे पहले अरविंद सक्सेना थे, अब इन्हें चुन लिया गया है, तो किसको चुना गया वो आप बताएंगे। दीजिएगा इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए रखा है, ठीक है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है, ठीक है, तो आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन लीजिए ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी राजस्थान। तो दीजिएगा इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का जिन लोगों ने आंसर दिया सी दिल्ली, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? अरविंद सिसोदिया। अरविंद सिसोदिया, सॉरी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है, कोई नहीं। आइए 49 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी कर्नाटक, दिल्ली। इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 49 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन हरियाणा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं अपना 50 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बने हैं, ठीक है? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी युवराज सिंह, सी गौतम गंभीर, डी इयॉन मॉर्गन। दीजिएगा इस 50 नंबर आखिरी नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 50 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है डी इयॉन मॉर्गन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है, इन्होंने पहला नंबर पा लिया और छक्के कितने लगा दिए 213। धोनी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, धोनी का 211 छक्के हैं, ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड कप में भी सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिए, शायद पूरा तो नहीं कन्फर्म हूँ, बट 17 छक्कों का शायद रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे अब कल। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकूं, जो भी आपके आने वाले 2 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं।
मेरा दावा है कि अगर ये रोज़ की सीरीज आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर के आपके कोई भी क्वेश्चन हिलने वाले नहीं हैं, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर आप डेली ये काम कर रहे होंगे तो। बाकी जीएस भी अच्छे से आपका कलेक्ट होगा। जो लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए 11:30 बजे केवल स्पेशल साइंस के लिए शुरू किया जा रहा है, ठीक है। 2 दिन से चल रही है सीरीज, कल फिर चलेगी, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए आज के लिए इतना ही।